आज भिवंडी के माड़ा कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी के पश्चिम के उम्मीदवार शोएब गुड्डू के प्रचार सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में वहां के स्थानीय उपस्थित थे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस सभा में प्रचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता दिखाई दिए। सभी लोगों ने विशेष तौर पर विरोधियों पर निशाना साधा और विकास के नाम पर वोट मांगने की वहां पर जनता से अपील करते हुए नजर आए। विशेष तौर पर भिवंडी पश्चिम के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार शोएब गुड्डू को लेकर जिस तरह से वहां पर वाक्य की गई कि साफ सुथरी सभी के उम्मीदवार को जनता के बीच में भेजा है गया है, जनता को इन्हें विधानसभा के चुनाव में जिताकर भेजना चाहिए। हम आपको बता दें कि इस सभा में आप देख सकते हैं कि माड़ा कॉलोनी के लोग काफ़ी उत्साहित और काफ़ी वहां पर उत्साह के साथ में शोएब गुड्डू के नारेबाजी किए और कहा कि शोएब गुड्डू को इस बार पश्चिम से भारी मतों से विजयी कर भेजेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले 21 अक्टूबर के दिन भिवंडी पूर्व पश्चिम और साथ ही साथ ग्रामीण में इस भिवंडी शहर की जनता किसे अपने विधायक के रूप में चुनकर भेजती है। इस सभा के आयोजक हम आपको बता दें कि वहां के स्थानीय नगर सेवक इमरान वली मोहम्मद खान थे, जहां पर उम्मीदवार शोएब गुड्डू का स्वागत उस पर गुच्छे देकर किया गया। वरिष्ठों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी नगर सेवक भी दिखाई दिए। सभी लोगों ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। जब से आई है वो हिंदू मुस्लिम की एकता को नहीं देखना चाहती, वो कांग्रेस की सोच को इस देश से खत्म करना चाहती है। इस देश से कांग्रेस की सोच तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक हम लोग उसको वोट देना बंद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते आए हैं, आगे भी कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना है। बच्चों का रिश्ता करते हो तो देखते हो ना घर कैसा है, लड़की वाले कैसे है, लड़के वाले कैसे है देखते हो, दोस्ती करते हो तो देखते हो दोस्त कैसा है। तो वोट देने के टाइम पे आपका दिमाग कहां जाता है, कहां जाता है आपका दिमाग? जब एक कैंडिडेट आपके सामने यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे एक कैंडिडेट जिसकी एक साफ सुथरी छवि है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, किसी किस्म का दाग नहीं है जिसके ऊपर, उसके बावजूद अगर आप सोच में पड़े हो और आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है तो उसके बाद में फिर कम अगली का कहां ले जाएंगे हम। ये सामने बैठा ये शख्स का किसी इस मजमे में उठ के कहना कि शोएब गुड्डू ने फला आदमी का नुकसान किया है, शोएब गुड्डू ने फला आदमी का फांदा किया है, शोएब गुड्डू ने फला आदमी के ऊपर लेटर मारा है, आपका चप्पल और मेरा मुंह है, मैं 5 साल से इनके साथ में जुड़ा। ये भीड़ जो जमा है आने वाले 21 तारीख 2 नंबर बटन कांग्रेस की है। आपके सामने बहुत से कैंडिडेट है जो काफी घुमा फिरा के और बहुत सी मतलब उस किस्म की बातें कर रहे हैं जो करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अभी बाबा बहुद्दीन साहब ने बताया कि दीवान शाह पे एक सभा लगी थी, दीवान शाह मतलब दीवान शाह बाबा के नाम से ये भिवंडी शहर कमोबेश जाना जाता है, जो भी भाई है वहां पे जाते हैं अपनी मतलब मन्नतें लेके और वहां से काफी सिफा लोगों को मिलता है। एक शख्स जो हैदराबाद से आया, हैदराबाद से आने के बाद वहां पे मंच लगा, घंटों बोलता रहा, लेकिन 5 मिनट आपने दीवान शाह बाबा की दरगाह पे हाजिरी नहीं लगाई। तो जो चुनाव है ये हमारे लिए बहुत अहम है और इस चुनाव में 2 पार्टी खड़ी है, दोनों पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी खड़ी है, एक बीजेपी पार्टी खड़ी है और तीसरी जो पार्टी है, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में हम लोगों को फैसला करना है। तीसरी जो पार्टी है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ माइनॉरिटी का और हमारे लोगों का वोट काटने के लोग खड़ी है और इसकी वजह से सब से नाटक यहाँ चालू किया। आप लोग जानते हैं इस इलाके में पावर कटौती कितनी हो रही है, सुबह पावर जाती है दोपहर में आती है, यह सब नाटक इन लोगों की वजह से हुआ। जब तक कांग्रेस की यहाँ पे हुकूमत थी ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई भी पावर की तकलीफ नहीं थी, कोई केसेस नहीं बनते थे। आज एक एक झोपड़े में कितनी कितनी पावर मिला रही है, कितने कितने फाइन मारा जा रहा है। मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि आने वाले 21 तारीख को आप अपने वोट बंद बटवाइए। इतने देर से बैठ के आप हमारा इंतजार और दो बात
सुनने में आप लोग बैठे हैं। सबसे बड़ा मसला इस भिवंडी शहर का जो है आप लोगों के सामने है पावर लूम को लेके। आज यहाँ का आमदार महेश चौगले ना पावर लूम की बात करता है, ना पावर लूम के बारे में कुछ बोलता है, सेशन में जाके ना कभी आवाज उठाता है। उसके बाद टो एंड पावर की दादागिरी और मनमानी आप उठा के देख लीजिए। आज जितनी दादागिरी उनकी चल रही है, हर घरों पे दो दो लाख तीन तीन लाख गलत बिजनेस लगा रहे हैं, उसके बारे में कभी उसने ना आवाज उठाई, ना कभी किसी तोड़न को दबाने की कोशिश की। तीसरा आईजीएम हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, मजदूरों भाइयों के लिए ना वहाँ डॉक्टर है, ना दवाइयां है, ना ऑपरेशन कोई होता है, उसके लिए कभी यहाँ का आमदार ने आवाज नहीं उठाई। चौथा तो यहाँ पे हमारे बच्चों को तालीम के लिए दसवीं बारहवीं बच्चे पढ़ने के बाद लोगों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, चाहे एमबीबीएस कॉलेज हो, चाहे फार्मेसी कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो। ऐसे बहुत से मसले हैं जो कहा के आमदार लोगों ने काम किया नहीं। मैं आपको वादा करता हूँ इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मुझे चुन के भेजा, ये जितनी चीजें बताया हूँ ये मैं आवाज उठाऊंगा और इस शहर में ला के काम करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अगर हमको बचाना है, हमारा शहर बचाना है, बीजेपी को उठा के यहाँ फेंकना होगा और सबको एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट देना होगा। 21 तारीख को भारी तादाद में आप लोग वोटिंग कराइए। चाहे पच्चीस पच्चीस में जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार सबको कहिए, पूरा में हमारे संतोष शेट्टी खड़े हैं, उनके लिए भी आप वोट मांगिए दोनों तरफ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम जोड़कर चलने वाली पार्टी है। वहां संतोष शेट्टी को टिकट दी या मुझे टिकट दी है, तो इंशाल्लाह दोनों सीट अगर चुन के आती है तो आगे आने वाले वक्त में भिवंडी के जो भी विकास का काम है, मैं विकास का काम हम करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों साथियों साथियों आप लोग यहाँ ज्यादातर टोलन की पावर अक्सर मुझे फोन आता है कि यहाँ पे टोलन की पावर काट दी जाती है, और मरकाम वाले मुझे फोन आया, मैंने चालू करवाया है। लेकिन ये टोलन की जो दादागिरी मनमानी है, ये हिजड़ों को कहाँ ले जाकर फेंकूंगा आप लोग खुद देखिए। दोस्तों न आवेशी साहब को यहाँ आके रहना है, न और किसी को रहना है। वो आएंगे, रेडीमेड भाषण देंगे, चले जाएंगे, जज्बाती बातें करेंगे, मगर जमीनी हकीकत के साथ तुमको और हमको चलना है। तो हमको जमीनी बात को लेके चल के जमीनी हकीकत के साथ चलना होगा, और नहीं तो वही होगा कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, मैंने देखे हैं कई रंग बदलने वाले, मैं तो एक लाख के हाथों ही बिका करता हूँ और होंगे तेरे बाजार में बिकने वाले। तो इस तरीके के लोग हमको बांटने की कोशिश हमारे दोस्त बन के करने आ रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे दोस्तों से होशियार रहिए, जो दोस्त हमको बटवा कर और भाजप की सीट चुन के देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके इस मकसद को नाकाम करना ये आपका मकसद होना चाहिए। आपके सामने तरह तरह की अफवाहें आएंगी, तरह तरह की बातें आएंगी, मगर आप लोगों से कहता हूँ कि चाहे कितनी अफवाहें आए, कितनी बातें आए, आपको सब बात का मुकाबला करना है। आज हर वोटर को स्वयं गुड्डू बनना है, हर वोटर ने समझना चाहिए कि मैं खुद स्वयं गुड्डू हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं स्वयं गुड्डू को जिताने के लिए खुद स्वयं गुड्डू बन के काम करूं। इतना ही अभी अभी हमारे स्टेज पे होंगे आप लोग। ये इलेक्शन तकरीबन खत्म होने के करीब आया है और आज मैं कांग्रेस के स्टेज पे दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन हैरत की बात नहीं है, पिछले 20 साल से मैं लगातार इलेक्शन लड़ता आ रहा हूं, चाहे कांग्रेस ने टिकट दिया तो लड़ा, नहीं दिया तो लड़ा। इस पर दबाव में सबकी निगाहें यही थी कि फिर रशीद ताहिर इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन हमने, हमारे दोस्तों ने, घर वालों ने, हमारे चाहने वालों ने सब जो है मिलकर फैसला किया कि इस पर दबा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे। और उसी फैसले के तहत एक फैसला और किया कि लगातार पब्लिक के बीच में रहते हुए लगातार इलेक्शन लड़ने के साथ साथ जो है मैं अपने जाती कारोबार से कुछ दूर हो गया था। सियासत जो है मेरे लिए न बिजनेस है न पेशा है, शौक है बस सियासत का काम करने का, उसके तहत जो है मैं करता चला आ रहा हूं। मैंने जो कोशिश की आज यही वजह है
कि आज जो है हिंदू मुसलमान हर फिरके हर तबके के लोग जो है मुझे चाहते हैं, मेरा नाम लेते हैं, चाहे भिवंडी शहर हो चाहे देहातों में हो। देहातों में हमने जो काम कर दिया है आज भी वो लोग याद करते हैं। तो ये पास जो है चुन के आने के बाद जो लोग जो दूसरी दो नजर से जो देखते हैं वो उनकी ज़हनियत है, उनका नजरिया है, और उस नजरिए को आपका एक एक वोट तोड़ने वाला है। यही आप लोग ध्यान रखिए, इंशाअल्लाह ताला जो बात हमको मिल रही है कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रही है, इस शहर में इलेक्शन लड़ रही है, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है और इंशाअल्लाह ताला जीत हमकी होगी। और फिर इस शहर को बदलने के लिए एक नई सोच के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला काम करने के लिए बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, सब लीडर हैं, और कहीं भी हम आप लोगों को जो है सर झुकाकर चलने के लिए हम लोग मजबूर नहीं करेंगे, सर उठा के हम लोग चलेंगे। यही कहने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।